ये जो हमारा जो लास्ट पीरियड में हम 42 तक आए थे, लेकिन यहाँ पर मैं इतने 41 और 42 विल बी रिपीटेड फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करता कि लास्ट पीरियड का क्वेश्चन है, बराबर सॉल्व नहीं हुआ था। देखो क्या है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड टचेस टू बोथ द एक्सेस। सेकंड क्वाड्रेंट यह नहीं आता है, ये क्या है सेंटर, अब ये टच होता है यानी ये जो डिस्टेंस है दोनों डिस्टेंस आर सेम है ना, ये दोनों सेम आते हैं ना। सपोज ये रेडियस हमारा ए है, ए एक्स कौन सा भी लेगा और सेंटर क्या मिलता है ए कॉमा ए, सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या होता है ये माइनस और ये प्लस। इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर दिस वन और रेडियस ए एक्स माइनस माइनस प्लस ए होल स्क्वेयर वाई माइनस ए होल स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर है। देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू टचेस बोथ द एक्सेस एंड सेंटर लाइक इन सेकंड क्वाड्रेंट, क्या ही है एक्स स्क्वेयर प्लस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर टू ए वाई प्लस ए स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर, क्या ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस टू ए एक्स प्लस ये माइनस टू ए वाई प्लस ए स्क्वेयर इक्वल टू जीरो। हमें होना डिफरेंशियल इक्वेशन, करो डिफरेंशिएट टू एक्स प्लस टू वाई इंटू वाई वन प्लस टू ए एक्स का वन माइनस टू ए वाई का वाई वन यानी वाई डैश है, वाई वन यानी वाई डैश है, ए स्क्वेयर यानी जीरो। क्या था ये देख लो, ये दो कॉमन लो, दो कॉमन लो यानी व्हाट क्या मिलता है ये वाई डैश के लिए देखो ये वाई माइनस ए है, ये दो कॉमन लेने के बाद वाई माइनस ए इंटू वाई डैश इक्वल टू माइनस क्या है ये एक्स एक्स माइनस दोनों आता है ये एक्स प्लस ए है, फिर क्या आता है ये दोनों y डैश इक्वल टू माइनस एक्स प्लस ए। हमें क्या होना a कांस्टेंट है, a का वैल्यू निकालो, a का वैल्यू निकल सकता क्या हमारा, a कांस्टेंट है a का a की कांस्टेंट है a की बार डिफरेंशिएट होना क्या है फिर ये a a का वैल्यू देखो कहां से ये ये दो कॉमन लो x प्लस y y डैश प्लस a माइनस क्या है ये a y डैश है इक्वल टू जीरो, फिर क्या आता है ये देखो ये a इंटू वन माइनस y डैश इक्वल टू माइनस क्या है x प्लस y y डैश है, a इक्वल क्या है ये माइनस x प्लस y y डैश वन माइनस y डैश है, वन माइनस a कॉमन लेने के बाद क्या मिलता है वन माइनस y डैश। हाँ a का वैल्यू a यानी कहां पर है, a यानी आओ यहां पर कहिए ए एक्स माइनस ए क्या ये एक्स चाहिए एक्स प्लस वाई वाई डैश वाई वन माइनस वाई डैश इसका क्या है ये ए का वैल्यू यानी स्क्वेयर फिर वाई माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस वाई वाई डैश वन माइनस वाई डैश इसका स्क्वेयर इक्वल टू अब ये क्या था यहां पर है एक्स प्लस वाई वाई डैश वाई वन माइनस वाई डैश इसका क्या ये होल स्क्वेयर निकल जाता नहीं है। हाँ देख लो फिर क्या ये इसको सॉल्व करो क्या ये एक्स माइनस एक्स वाई डैश माइनस एक्स माइनस वाई वाई डैश इसका स्क्वेयर आता। हाँ देन प्लस ये क्या है ये प्लस y माइनस y y डैश प्लस x प्लस क्या ये y y डैश है इसका स्क्वेयर इक्वल टू क्या ये x प्लस y y डैश होल स्क्वेयर। देख लो ऑप्शन ऑप्शन देख लो क्या है हमारे पास ये कैंसल होता x प्लस y होल स्क्वेयर ये कैंसल था माइनस कॉमन लो प्लस x y डैश है
एक्स वाई डैश है ना, ये क्या है, ये एक्स वाई डैश प्लस वाई वाई डैश है इक्वल टू, उसमें से आर कॉमन ले लो, इसमें से आर कॉमन ले लो, क्या आता है, क्या आता है, ये यहां यहां से कि नहीं, एक वाई डैश कॉमन लो, वाई डैश कॉमन लो यानी एक्स प्लस वाई मिलता, एक्स प्लस वाई इसका स्क्वेयर, एक्स प्लस वाई वाई डैश का होल स्क्वेयर है, एनीवेज क्या ये एक्स प्लस वाई वाई डैश होल स्क्वेयर, क्या था ये है, देख लो एक्स प्लस वाई होल स्क्वेयर कॉमन लो, वाई डैश है वाई डैश प्लस वन होल स्क्वेयर इक्वल टू एक्स प्लस वाई वाई डैश होल स्क्वेयर, पॉसिबिलिटी कम, लेकिन देख लो ऑप्शन नंबर यानी यहाँ पर डैश का स्क्वायर ऐसा है, ऑप्शन नंबर है बी 41 के लिए ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन देख लो बराबर 41 इज रिपीटेड हियर, हमारे लिए रिपीट करे वाला क्वेश्चन है, देख लो सिर्फ कांस्टेंट का वैल्यू लेना और क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करना, ए यानी एक ही कांस्टेंट था हमारे पास, एक ही बार उसको डिफरेंशिएट किया, फिर ए यानी कांस्टेंट का वैल्यू ले लो और हमारे क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर, ये क्वेश्चन नंबर 42 के लिए आओ दोस्तों, ये भी क्वेश्चन में रिपीट करूंगा, क्या ये y इक्वल टू c इनटू x माइनस होल स्क्वायर है, ये कि y डैश इक्वल टू कितना था c इनटू ये c इनटू 2 x माइनस c इनटू x का वन, ये दो इक्वेशन है, एक ये ना इनटू कंपेयर करो, इनको कंपेयर करो y y y डैश cc कैंसिल x माइनस c होल स्क्वायर बाय 2 है ना, ये c विल कैंसिल था इनटू c, ये 2c इनटू x माइनस c, ये c विल कैंसिल, क्या है फिर y y y डैश इक्वल टू x माइनस c बाय 2, ये है उत्तर, हाँ आप c का वैल्यू ले सकते हैं यहां से, अब डायरेक्टली क्या करो यहां से c का वैल्यू ले लो, इतना था फिर 2y y y डैश इक्वल टू एक्स माइनस सी, सी इक्वल टू एक्स माइनस टू वाई 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 डैश है, तो सी के लिए मेरे पास क्या है, ये एक्स वाई डैश माइनस टू वाई यानी सी का वैल्यू, अब सी के लिए कहां पर आप यहां पर देख लो क्या ये सी के लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42 के लिए, देखो यार क्वेश्चन नंबर 42 के लिए सी का वैल्यू है ना, सब्स्टिट्यूट कर लो क्वेश्चन में वाई इक्वल टू सी एक्स क्या है वाई डैश माइनस टू वाई इंटू है ये एक्स माइनस सी, सी यानी वॉट एक्स वाई डैश माइनस टू वाई ये होल स्क्वायर है, हाँ फिर क्या आता है ये देख लो आप, ये यहाँ पर सी का वैल्यू हमारे पास जो है ना, ये सी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो आप, क्या है देख लो सी के लिए हमारे पास ये जो क्वेश्चन है उसमें देख लो बराबर क्या आता है, है ये सी के लिए देख लो डी वाई ये आता है, देख लो ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हाँ क्वेश्चन नंबर 42 के लिए, क्वेश्चन नंबर 42 के लिए सी इक्वल टू एक्स माइनस है ना, सी को क्या ये और ये कौन सा भी चलेगा, ये रखेंगे थोड़ी देर के लिए, कौन सा भी चलेगा शायद ये रख लो, क्या आता है सी के लिए सेम आंसर आता है y इक्वल टू c, c यानी वॉट x माइनस टू वाई वाई डैश है, x माइनस क्या है देख लो ये x माइनस टू वाई वाई डैश है, इस इनटू क्या है x माइनस क्या है ये x माइनस c के लिए वॉट x माइनस क्या है ये x माइनस c के लिए x माइनस टू वाई वाई डैश है, इसका क्या ये स्क्वेयर, फिर क्या आता ये है, अब ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद देख लो क्या आता है, हां क्या ये यहां पर स्क्वेयर है, कितना आता नीचे तीन आता ना वाई डैश और वाई डैश का स्क्वेयर इधर आता वाई डैश यानी व्हाट डी वाई बाय डी ये वाई डैश है ना ये क्रॉस करो ये दो और ये तीन आता डी वाई बाय डी एक्स इसका क्या ये क्यू है ना ये क्यू है देन
देख लो ये बात क्या इनटू क्या है, ये साइड पे वाई कितना था, फिर एक्स वाई डैश है, ये एक्स वाई डैश है, देख लो क्या है ये, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, हाँ हमारे पास जो वैल्यू है ना उसमें सब्स्टिट्यूट करो, हाँ एक्स माइनस सी है, सॉरी एक्स माइनस एक्स कैंसिल होता है, एक्स एक्स कैंसिल होता है, इसके लिए क्या आना ये टू वाई बाय वाई डैश इसका स्क्वायर, फिर क्या है ये देख लो एक्स वाई डैश माइनस टू वाई इनटू क्या ये फोर वाई स्क्वायर बाय ये वाई डैश ठीक है, ये वाई डैश इधर आता छोड़ दो उधर ले लिया, फिर क्या ये एट वाई कैंसल डी वाई बाय डी एक्स, ये क्या है होल क्यूब है, फिर ये क्या है देख लो क्या था ये फोर वाई इंटू क्या था ये एक्स इंटू वाई डैश यानी डी वाई बाय डी एक्स माइनस टू वाई है, ये है ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर इसके लिए है देखो सी, हाँ छोटी थ्री के लिए ऑप्शन नंबर 43 देख लो, क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, क्वेश्चन नंबर 43 के लिए आओ देख लो बड़ा स्पीड से देख लो क्या है ये क्वेश्चन नंबर 43 क्या है 43 के लिए, हाँ साइन इनवर्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, क्वेश्चन नंबर 43 के लिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई है ना, ये ऐसा प्लस माइनस इनटू आने के बाद क्या करेंगे इसको एक्स प्लस वाई इक्वल टू वी, ये एक्स का डेरिवेटिव वन वाई के लिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाय डी एक्स, ये तीन नंबर ये दो नंबर डी वाई बाई डी एक्स क्या है डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू डी वी बाय डी एक्स माइनस वन इक्वल टू साइन ऑफ वी है ना, ये क्या था फिर डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू वन प्लस साइन वी, फिर क्या है ये देख लो बराबर क्या आता है ये साइन वी इसका वैल्यू वन यानी व्हाट क्या है ये डी वी बाय वन प्लस साइन वी इक्वल टू डी एक्स है, ये है ना, इसको हम कर सकते हैं रैशनलाइजेशन है ना, इसको रैशनलाइजेशन करो यानी व्हाट वन माइनस साइन वी बाय वन माइनस क्या है ये साइन स्क्वायर वी, रैशनलाइजेशन डी एक्स इंटीग्रेशन ले लो वन माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वन बाय कॉस यानी सेक स्क्वायर वी, ये कॉस स्क्वायर था साइन बाय कॉस यानी टेन वी, वन बाय कॉस यानी सेक वी है, सेपरेट करो इसको माइनस सेपरेट करने वाला है वन माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वन बाय कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर साइन बाय कॉस यानी टेन वन बाय कॉस यानी सेक, ये क्या आता है ये टेन वी, टेन वी यानी एक्स प्लस वाई माइनस सेक इंटू क्या यानी सेक, सेक यानी वॉट एक्स प्लस वी वन के लिए एक्स प्लस सी, ये है तुम्हारे लिए सॉल्यूशन है हमारा एक्स इक्वल टू यहाँ पर सी लेगा ये प्लस है ना इधर सी इक्वल टू एक्स ऐसा है यानी ऑप्शन नंबर सी के लिए आज क्वेश्चन नंबर 43 के लिए सी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 44 के लिए आओ उसको आप देख लो, इफ यू वॉन्ट एनी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कॉल करते जाओ आप, हाँ कॉल टाइमिंग्स आप फॉर यू 3 से 5 तक तुम कॉल सब कर सकते हैं, बाकी टाइमिंग्स में बोल नहीं सकते हैं, क्या ये क्वेश्चन नंबर 44 के लिए 44 क्या ये 5 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए रेस टू एक्स इंटू वाई रेस टू फोर, क्या था फिर 5 बाय वाई रेस टू फोर डी वाई इक्वल टू ए रेस टू एक्स इंटू डी एक्स 5 वाई रेस टू माइनस फोर डी वाई जीरो इंटीग्रेशन सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेशन लेना एक्स के टर्म्स और वाई के टर्म्स है ना आफ्टर सेपरेशन इंटीग्रेशन लेना इंटीग्रेट सॉल्यूशन 5 वाई रेस टू माइनस फोर प्लस वन माइनस थ्री बाय माइनस थ्री ए रेस टू एक्स प्लस है, क्या है हमारे पास ये देख लो क्या था माइनस 5 वाई 3 इंटू वाई क्यूब इक्वल टू ए रेस टू एक्स प्लस सी, ये है ऑप्शन नंबर डी 44 के लिए, देन क्वेश्चन नंबर 45 के लिए आओ क्वेश्चन नंबर 45 क्या है 45 डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस 4 एक्स वाई स्क्वायर, अगेन डी वाई
ये 1 बाय y स्क्वायर डिवाइड टू माइनस 4 x इनटू ds, इसको इंटीग्रेशन ले लो, माइनस 1 बाय y इक्वल टू माइनस 4 x स्क्वायर बाय 2 प्लस है, हाँ देख लो क्या ये y का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, x का 0, ये 0 होता ना, ये 0, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0, यानी कितना आता c का वैल्यू माइनस 1, कहां पर है माइनस 1, c के लिए देखो माइनस 1 कहां पर है, यानी व्हाट यू माइनस क्या है ये माइनस 1 बाय y इक्वल टू माइनस 4 x स्क्वायर बाय 2, अब c के लिए क्या है माइनस 1, यानी क्या था ये देख लो क्या है ये है y इक्वल टू है, यानी वो इधर लो इधर लो प्लस हो जाता तो यानी 2 x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2 x स्क्वायर है, 2 x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1 बाय y, फिर y बन गया था ये 1 बाय 2 x स्क्वायर प्लस 1, ये है ऑप्शन नंबर बी, देख लो दोस्तों बराबर बात क्वेश्चन नंबर 46 के लिए आ क्वेश्चन नंबर 46 हां देख लो क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, हां देख लो क्वेश्चन नंबर 46 हां नंबर 46 के लिए, 46 के लिए क्या है डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई है, हां 1 प्लस डी एक्स इसमें से वाई कॉमन लो 1 प्लस एक्स है 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई है, क्या आ रहा है ये डी वाई बाय 1 प्लस वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स इनटू डीएक्स है ना, सेपरेट होने के बाद इंटीग्रेशन लेना, आफ्टर सेपरेशन इंटीग्रेशन लेते जावा, क्या आता है वन बाय यानी क्या ये वन बाय ये अंदर बाय वन प्लस वाई मतलब वन प्लस एक्स, ये यहाँ पर कुछ वन प्लस एक्स कॉमन लो ऐसे यहाँ पर कुछ तक वन है वन प्लस वन बाय यानी व्हाट लॉग ऑफ वन प्लस वाई इक्वल टू 1 डी एक्स यानी एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस है, अब ये एक्स को ये इसमें ले लो लॉट है ना एक्सपोनेंशियल कर लो लॉट कैंसिल यानी 1 प्लस y इक्वल टू जो भी है वही ले इसको है ना x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस c वो प्लस 1 ये y इक्वल कितना आता ये y इक्वल टू है ना ये ज्यादा से ज्यादा प्लस माइनस आता है a की रेस टू x प्लस x स्क्वायर बाय 2 प्लस c माइनस 1, ये है लास्ट ऑप्शन डी, देन क्वेश्चन नंबर 47 के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर 47 तो क्वेश्चन नंबर 47 है हमारे पास x प्लस y कंपलसरी यू नो x प्लस y इक्वल टू v x इक्वल टू 1 dy बाय dx v इक्वल टू dv बाय dx है, ये बाद में सब्स्टिट्यूट कर लो dy by dx का वैल्यू dv by dx minus 1 equal to cos of v यानी dv by dx equal to क्या है 1 plus cos v dv by 1 plus cos नीचे लो 1 plus cos यानी 2 into cos square v by 2 equal to dx ले लो इंटीग्रेशन 1 by 2 1 by cos यानी sec square जाने होता है tan v by 2 by 1 by 2 1 का x प्लस ये कैंसिल क्या है फिर ये tan v by 2 यानी व्हाट x प्लस y by 2 इक्वल टू x प्लस ये है ऑप्शन नंबर ए, देन 48 के लिए हां क्वेश्चन नंबर 48 क्या ये 1 प्लस x स्क्वायर y x इनटू dx और ये 1 प्लस y बाय 1 माइनस y इनटू dy है ना, ये सेपरेट करो इंटीग्रेशन ले लो है ना, सेपरेट करो इंटीग्रेशन ले लो ऑप्शन नंबर ए होमवर्क के लिए, देन 49 के लिए आओ क्वेश्चन नंबर 49 49 के लिए देखो x * 1 plus y square dx minus y * 1 plus x square dy कुछ क्या है फिर ये x * 1 plus y square dx equal to y into 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, हाँ क्या आता फिर ये
एक्स वाई वन प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, वाई वाई वन प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई, सेपरेट एक्स और वाई के टर्म सेपरेट होने के बाद इंटीग्रेशन लगा हुआ, इधर दो क्या ये लॉर ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू लॉर ऑफ वन प्लस वाई स्क्वेयर प्लस लॉर सी, देख लो क्या ये प्लस लॉर सी, हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन हुआ, पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए देखो क्या ये 49 और 49 के लिए आओ, हाँ क्या ये लॉर ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वेयर वाई, ये नीचे लो यानी माइनस यानी डिवाइड होता वन प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू लॉर सी, वन प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू सी इंटू वन प्लस वाई स्क्वेयर, क्या यहाँ पर एक्स इक्वल टू वन और वाई इक्वल टू जीरो, वन प्लस वन एक्स इक्वल टू वन वाई इक्वल टू जीरो यानी टू इक्वल टू सी, फिर सी के लिए क्या है वन प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू वन इंटू क्या है वन प्लस वाई स्क्वेयर, सी के लिए तो ये है हमारे लिए ऑप्शन नंबर देख लो क्या है यार, हाँ ये है सॉल्यूशन, देखो इसको सॉल्व, इसको सॉल्व करूंगा, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद मैं ये सॉल्यूशन लिखा वन प्लस एक्स स्क्वेयर टू प्लस टू वाई स्क्वेयर, कितना ये एक्स स्क्वेयर माइनस टू वाई स्क्वेयर इक्वल टू वन, ये है ऑप्शन नंबर सी 49 के लिए सी ऑप्शन, हाँ देख लो बराबर, देन 50 क्वेश्चन नंबर 50 के लिए आप 50 सेम क्वेश्चन है मेरे होमवर्क फॉर यू, हाँ क्वेश्चन नंबर 50 एक्स वाई के टर्म सेपरेट ले लो उसको इंटीग्रेट कर लो, हाँ बहुत इजी क्वेश्चन है तुम एडजस्ट कर लो, हाँ होमवर्क करो, ये होमवर्क के लिए ए ऑप्शन, हाँ क्वेश्चन नंबर 51 के लिए 51 यानी व्हाट डी वाई बाई डी एक्स इज एस टू एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इज एस टू माइनस वाई है, इज एस टू माइनस वाई इज एस टू एक्स प्लस क्या आता है एक्स स्क्वायर आता है ना, यह है फिर क्या आता है ये डी वाई बाई डी एक्स इज एस टू माइनस वाई इज एस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये है ना इज एस टू वाई डी वाई इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स है, हम ले लो इसका इंटीग्रेशन क्या है ई रेस टू वाई ई रेस टू एक्स प्लस एक्स टू वाई थ्री प्लस है, ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 51 के लिए ए ऑप्शन, देन क्वेश्चन नंबर 52 के लिए आप 52 है ना, देख लो छोटा सा क्वेश्चन है 52 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू इंटू ई रेस टू टू एक्स, ये है वाई स्क्वेयर, ये वाई डी वाई बाय वाई स्क्वेयर टू ई रेस टू टू एक्स इंटू डी एक्स है, देख लो बराबर वन बाय वाई स्क्वेयर माइनस वन बाय वाई टू इंटू ई रेस टू टू एक्स इंटू टू बाय टू, ये प्लस सी, लिमिट्स क्या क्या है ये वाई ऑफ जीरो इक्वल टू वाई ऑफ जीरो टू टू माइनस वन यानी वॉट एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन, क्वेश्चन नंबर 52 के लिए आओ के लिए ये वाई माइनस माइनस प्लस वन इक्वल टू ए रेस टू 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 कैंसल ए रेस टू जीरो यानी वन प्लस सी यानी हमारे लिए सी इक्वल टू क्या है ये जीरो यानी वॉट माइनस वन वाई वाई इक्वल टू ए रेस टू टू एक्स है ए रेस टू टू एक्स यानी वॉट ये माइनस वन उधर ले लो वाई इक्वल टू माइनस ए रेस टू माइनस टू एक्स, ये है सी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 53 के लिए क्वेश्चन नंबर 53 बहुत इजी है आर ऑफ टी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, मतलब लॉट लॉट को कैंसिल करना है तो राइट साइड में क्या होना है ए रेस टू ए एक्स प्लस बी वाई यानी डी वाई बाय ई रेस टू बी वाई और ई रेस टू ए एक्स इंटू डी एक्स, क्या करें तो इसका इंटीग्रेशन फिर कहेंगे ई रेस टू माइनस बी वाई बाय माइनस बी ई रेस टू ए एक्स बाय ए प्लस, देख लो कहां पर है 53 के लिए
ऑप्शन नंबर 53 के लिए देखो आज कहां पर है ये ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर डी लास्ट है ऑप्शन नंबर 53 के लिए। देन 54 के लिए आओ, ऑप्शन नंबर 54 का क्या है ये, क्रॉस स्क्वायर बाय डी एक्स माइनस कोसेक डी एक्स डी वाई है ना, ये एक्स वाई के टर्म डी एक्स और डी वाई पहले सेपरेट ले लो, क्रॉस स्क्वायर बाय डी एक्स कोसेक डी एक्स डी वाई है, क्या था फिर डी एक्स बाय ये कोसेक एक्स आता और डी वाई बाय क्या था ये क्रॉस स्क्वायर बाय, कोसेक के लिए क्या है ये साइन एक्स डी एक्स ये सेट स्क्वेयर वाई डी वाई साइन टर्म इंटीग्रेशन माइनस क्रॉस सेट स्क्वेयर के लिए टेन वाई प्लस है, देख लो ये माइनस का प्लस आता ना क्रॉस एक्स प्लस टेन वाई इक्वल टू सी, ऐसा ले सकते हैं ये ए ऑप्शन। देन 55 के लिए ऑप्शन नंबर 55 के लिए एक्स इंटू के रेस टू माइनस वाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई कुछ क्या है ये देख लो, एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या था नीचे था ये नीचे लो डिवाइड करो यानी प्लस वाई इंटू डी रेस टू आया था इसको नीचे प्लस आता वाई ऊपर जाता इक्वल डी वाई इक्वल टू राइट, चलो यू इंटू वी सेकंड स्टेप में सेकंड पार्ट में एक्स ये इंटीग्रेशन ऐसा लेने के बाद डायरेक्ट इंटीग्रेशन लेना एक्स स्क्वायर बाय टू यू इंटू वी वाई एंगल इज इज टू आई माइनस वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आई यानी वन उसका इंटीग्रेशन ई रेस टू वाई डी वाई इक्वल टू ये फिर क्या था ये एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस वाई ई रेस टू वाई माइनस ई रेस टू वाई प्लस सी इक्वल टू इक्वल टू क्या था सी आता, तो क्या ये एक्स स्क्वेयर बाय टू प्लस वाई क्या ये ई रेस टू वाई इंटू वाई माइनस वन इक्वल टू सी, ये है तुम्हारे लिए ऑप्शन नंबर देखो क्वेश्चन 55 के लिए ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 56 के लिए देख लो वन प्लस वाई स्क्वेयर है वन प्लस आर ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एक्स इंटू वॉट डी वाई इक्वल टू जीरो, एक्स के टर्म एक साथ लो वाई के टर्म एक साथ लो वन प्लस लॉग एक्स ओ एक्स ओ एक्स नीचे लो यानी डिवाइड करो डी एक्स है ये प्लस ये क्या था ये साइड में क्या है ये डी वाई बाय वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो यानी इसको डिवाइड करो हाँ क्या टारगेट लो ये फिर यहाँ पर लॉग को फुट करो एडी क्या था लॉग एक्स को टी बोल दो लॉग एक्स को टी बोल दो ये डी क्या था वन बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी क्या था पूरा वन प्लस ले लो पूरा चलेगा यानी क्या ये पूरा यानी टी डी टी प्लस क्या ये डी वाई बाय वन प्लस वाई स्क्वेयर ये इक्वल टू जीरो क्या था ये टी टी यानी और टी यानी क्या ये वन प्लस लॉग एक्स होल स्क्वेयर बाय टू प्लस क्या ये टेन इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू सी देख लो क्या है ऑप्शन नंबर है ना ये वन प्लस हमने यहां पर पुट करते हुए देखो कैसा लिया है यार एक्स इक्वल टू वन वाई इक्वल टू वन एक्स का वैल्यू वन ले लो एक्स इक्वल टू वन वाई इक्वल टू वन वन एक्स इक्वल टू वन यानी नॉर्मल का वैल्यू जीरो वन बाय टू प्लस वन यानी फाइव बाय फोर इक्वल टू सी क्या है ये इसके लिए फिर हाँ देख लो ये एक्स का वैल्यू क्या है ये वन नॉर्मल यानी जीरो जीरो आने के बाद वन आता वन बाय टू प्लस लॉग एक्स है ये लॉग एक्स पूरा यानी क्या होता है वन प्लस लॉग एक्स ये होल स्क्वायर बाय टू प्लस एन इनवर्स ऑफ वन ये इक्वल टू क्या था ये पाई इक्वल टू है ये पाई बाय फोर
ये देख लो पाई बाय फोर प्लस वन बाय टू, ये वन बाय टू है ना, ये वन बाय टू ए प्लस वन बाय टू ये कॉन्स्टेंट है, कैंसल हुआ है वहां पर। एक्स इक्वल टू वन, वाई इक्वल टू ऑल्सो वन है, हाँ यहाँ तक फिर ये लॉट वन प्लस लॉट एक्स कहने की रहने के बाद ये वन प्लस लॉज एक्स को हमने क्या रहते हैं यहाँ पर वन प्लस लॉज एक्स को टी यानी वन बाय एक्स डी एक्स यानी डी टी आता है यानी वोट ये टी एल डी है तो क्या आता है ये वन लॉट वन यानी जीरो वन बाय टू है प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई वाई यानी वॉट वन यानी ये वन या इक्वल टू सी यानी वॉट वन बाय टू प्लस फाइव बाय फोर इक्वल टू सी ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो वहां पर ये तुम्हें मिलता क्या है ये ऑप्शन देख लो ये ऑप्शन नंबर ए में आता है सी का वैल्यू रख दो वहां पर यू विल गेट ऑप्शन नंबर ए।